नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। सिरसा के गांव शाहपुर बेगू में सरकारी स्कूल की 4 सालों से कार्यभार संभाले हुए सुमन गौतम का विभाग की ओर से तबादला कर दिया गया। स्कूल प्रभारी के तबादले से न केवल विद्यार्थी बल्कि ग्रामीण भी शक्ति में हैं। सोमवार को स्कूल प्रभारी के तबादले के बाद में स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ स्टाफ सदस्यों की भी आंखें नम हो गई। विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ से लेकर के ग्राम पंचायत तक ने स्कूल प्रभारी के तबादले को रोकने की भी मांग की है। ऐसे में एक गाने की पंक्तियां याद आ जाती है, साथ ही हाथ बढ़ाना रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर रोज जोर लगाना रे। इन्हीं पंक्तियों को सार्थक किया है गांव बेगू के सरकारी स्कूल की स्कूल प्रभारी सुमन गौतम ने। स्कूल में रोजाना झगड़े, बच्चों की घटती संख्या और ऊपर से ग्रामीणों के दबाव, इन सब समस्याओं और परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए सुमन गौतम ने 4 साल पहले गांव बेगू के सरकारी स्कूल में अपना चार्ज संभाला था। अपने इस कार्यकाल के दौरान सुमन गौतम ने न केवल स्कूल में पढ़ाई का वातावरण तैयार किया बल्कि स्कूल में बच्चों की घटती संख्या में भी एकाएक बढ़ोतरी करवाई। इतने नहीं, सामाजिक बुराइयों के प्रति भी सुमन गौतम का नजरिया संजीदा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि स्कूल के मुख्य द्वार के सामने एक शराब का ठेका था, जिसे हटाने के लिए कई बार प्रयास किए गए। वो सुमन गौतम ही थी जिनके प्रयासों से ठेके को अन्य जगह पर शिफ्ट करवाया गया। इतना ही नहीं, स्कूल के विकास के लिए जो भी ग्रांट आती है, प्राचार्य ने अपनी सूझबूझ से उसे विकास कार्यों में खर्च किया। और बड़ी बात ये रहती है कि जहां पर भी थोड़ी बहुत कोई कमी रहती है तो स्टाफ से पैसा एक दूसरे से एकत्र कर बच्चों की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। बच्चों की सुविधाओं के लिए उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा, जरूरत पड़ने पर सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग लिया। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने एक गांव की एक बिन माँ की बेटी को, जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ती है, उसकी शिक्षा का खर्च आजीवन समय के लिए खुद वहन करेगी। वहीं गांव की सरपंच परमजीत कौर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की प्रभारी सुमन गौतम ने स्कूल के विकास कार्यों के लिए अथक प्रयास किए हैं और पंचायत की तरफ से भी भरपूर सहयोग इन्होंने लिया है। इनके तबादले की बात सुनकर के मैं भी चिंतित हूँ। वे जहाँ भी जाएंगी एक आदर्श मिसाल के तौर पर जानी जाएंगी। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट।
नमस्कार जी, मैं शाहपुर गांव की परमजीत कौर सरपंच हूँ इस वक्त। और जो हमारे सरकारी स्कूल में सुमन मैडम जी थी, वो बहुत अच्छी मैडम थी और जो भी उन्होंने काम किए स्कूल में, बहुत अच्छे काम किए। पंचायत ने भी उसमें उसका सहयोग दिया और जो स्कूल में कमरे हैं उनमें भी उन्होंने पेंट वगैरह बहुत अच्छा करवाया और बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत ही ध्यान दिया उन्होंने। और बाकी जो भी काम है स्कूल में होते हैं वो बहुत अच्छे से करवाए उन्होंने। और हमें बहुत दुख हो रहा है कि अब वो जा रही है यहाँ से, उनकी बदली हो रही है, लेकिन हम चाहते नहीं थे कि वो जाए, लेकिन फिर भी मजबूरी में कुछ उसको जाना पड़ रहा है। तो ये मैं बहुत दुख लग रहा है इस बात का कि वो जा रहे हैं। सर, मनोज कुमार इस स्कूल में टीचर हूँ और आज जो आपका न्यूज़ चैनल हमारे स्कूल में पहुंचा है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने आज का जो दिन है हमारे स्कूल के लिए एक मतलब अफसोस सा हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे विद्यालय के जो हेड मैडम हैं वो यहां से ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं। मैडम का जो कार्यकाल यहां पिछले 5-6 सालों से मैडम है, उनके आने से हमारे स्कूल में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले स्कूल के हालात कुछ और थे और आज के हालात जो हैं कुछ और है। मैडम का जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और मैडम का काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी रही है। मैडम ने विद्यालय में शेड का निर्माण, इंटरलॉक टाइलों लगवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं और पेड़ पौधे काफ़ी लगवाए हैं। मैडम ने एक CWSN वॉशरूम बनवाए हैं, गर्ल्स टॉयलेट बनवाए हैं, 6 कमरों का निर्माण शुरू करवाया है। जितना मतलब साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है विद्यालय में। और एक पेंट जो आपने देखी होगी कमरों में, काफ़ी अच्छा पेंट करवा रखा है। और कंप्यूटर लैब को भी मेंटेन करवाया बहुत बढ़िया तरीके से, जो पीछे बंद पड़ी थी। और इसके अलावा मैम ने एक लाइब्रेरी बनवाई है पंचायत के सहयोग से, जिम बनवाई है पंचायत के सहयोग से, और भी काफ़ी कार्य करवाए हैं। तो मैम हमेशा एक्टिव रहे हैं हर एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी एक्टिविटी हो, चाहे वो स्वच्छता के बारे में हो, चाहे किसानों के पराली जलाने के बारे में हो, गांव में नशे के बारे में हो। मैडम ने काफ़ी जागरूक किया है बच्चों को भी नशे से दूर रहने के लिए। जो मेरे गाँव की सबसे बड़ी समस्या है वो है नशा, और नशे के खिलाफ मैडम ने एक मुहिम छेड़ी, रैलियां निकलवाई। और इसके अलावा बच्चों को मोटिवेट किया भी अपने माता पिता को समझाएं, स्कूल में माता पिता को बुला बुला के समझाया भी नशे से दूर रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ अच्छे से। और मैम ने बच्चों की मजबूरी, कई बच्चों की मजबूरी देखते हुए कुछ लड़कियों को गोद भी लिया है। उनकी पढ़ाई का खर्चा ये मैडम खुद उठा रहे हैं जब तक वो बच्चे पढ़ेंगे। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। आज एक मतलब मन में दुख है हमें, मतलब मैडम जा रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा मन में, हमारा पूरे स्टाफ का लगाव भी अच्छा हो गया था मैडम से। क्या कारण है मैडम का यहाँ से? हमारा जो स्कूल है पिछले काफ़ी टाइम से, लंबे समय से 10th तक था, मैडम ने जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवाया है +2 तक, तो इसमें मैडम का बहुत योगदान रहा है। काफ़ी बार मैडम ने पंचायत को लिख के दिया, काफ़ी बार मैडम ने जो है विधायक को लिख के दिया कि स्कूल मतलब +2 तक होना चाहिए। इसमें मैडम का ये स्वार्थ था कि जो हमारे गांव की लड़कियां हैं वो यहां से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाती थी, उनका किराया भी लगता था जाने का और आने का, तो और एक लड़कियों को आने जाने में समस्या भी थी, इसलिए मैडम ने उनके उनको देखते हुए स्कूल को +2 करवाया। इस कारण से? हाँ जी, हाँ जी, इस कारण से उनकी जो है पोस्ट यहाँ से हेडमास्टर की खत्म हो गई और उनका ट्रांसफर हो गया है। हमारी इच्छा है कि वो दोबारा प्रिंसिपल बन के इस स्कूल में आए। मेरा नाम गुरमन है और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर बेगू में पढ़ता हूँ और हमारे हेड मैम बहुत अच्छे हैं। वो हमें हर एक्टिविटी के लिए उत्तेजित करते हैं, हमें कभी योगा कराते हैं ताकि बच्चों की सेहत अच्छी रहे, और मैम हमें हर एक्टिविटी में आगे रखते हैं। मैम ने हमारा स्कूल 10th से 11th तक करा दिया। अब जो मैम जा रही हैं तो उसका आपको कितना दुख हो रहा है
दी, क्या क्या कमियाँ आप महसूस करेंगे? हेड मैम जा रहे हैं, हमें बहुत बुरा लगा, हमें बहुत, पर जो अब हमारा स्कूल 12th तक बन चुका है तो फिर हेड मैम को जाना पड़ेगा, पर हमें बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। हम अब तक जो मैम आपके साथ रही, हाँ, वो कैसा व्यवहार किया उन्होंने आपसे, आपका इतना प्यार कैसे मिला उन्होंने आपको, कैसे इतना प्यार किया? मैम हमें सफाई के संबंधित बहुत अच्छी अच्छे हमारे हमको एक्टिविटीज़ कराते थे, मैम को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैम हमें ऐसे किचन गार्डन के लिए प्रोत्साहित करते थे और हमें इतनी ज़्यादा कहा कि पेड़ों से लगाव था मैम का, बहुत अच्छे थे मैम। मेरा नाम सिमरन है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और अब हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं वो जा रहे हैं तो हमको बहुत दुख हो रहा है। कभी ये स्कूल कहाँ था और अब कहाँ किस लेवल पे आया हुआ है, पहले स्कूल में नशा था और अब मैम बता रहे हैं कि नशे के बारे में तुम आगे मत बढ़ो, नशे के खिलाफ लड़ो तुम। मैम जाने से आपको, मैम ने कितने साल आपके साथ व्यतीत किए? मैम ने हमारे साथ बहुत साल व्यतीत करे हैं और हमें अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है जब से मैम आई है। मेरा नाम सुमन गौतम है जी। और मैं यहाँ पर 2019 में एज ए हेडमिस्ट्रेस आई हूँ और इससे पहले मैं आने वाली में थी, तो मुझे लगभग 5 साल होने को आ जाएंगे अब। और अब ये स्कूल हमारा अपग्रेड हो गया है तो मुझे अब मेरी ट्रांसफ़र यहाँ से वन सुधार की गई है, तो अब मुझे आज वन सुधार में जाना है। और लेकिन बच्चों का आपके साथ इतना प्यार, इतना समय आपने अच्छे से निकाला, क्या क्या कार्य किया जो बच्चे आपको इतना अब भी चाह रहे हैं? मैंने तो अपना एक कर्म ही किया है कि मुझे जो काम, जो सेवा मुझे मिली है स्कूल में अध्यापन की, काम की निष्ठा से की है। बाकी ये स्कूल के अंदर इसका जो योगदान है ये सारा तो समय की बात है, स्टाफ, मेरी टीम और मेरे जो बच्चे हैं इन सभी का पूरा आपस में बहुत ही भरपूर योगदान रहा है। यही उन बच्चों का एक लगाव है जो ये इनका प्यार मुझे खींच रहा है। और बाकी इस जो काम, ये सुविधाएँ हैं, ये तो सरकार की दी हुई है और ये इत्तेफाक है कि ये सारी सुविधाएं अब मिली हैं तो हमने मिलकर इस काम को आगे किया है।